140 रुपए से गिरकर 14 रुपए, अब अच्छा मौका है। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, इस स्टॉक ने 140 रुपए का हाई बना के 14 रुपए का लो बनाया है और अब यहां पे एक रिवर्सल होने की पूरी पूरी उम्मीद है और यहां से आगे फंडामेंटल एनालिसिस बहुत काम आएगा। स्मार्ट नेशन, लेट अस बिगिन इन्वेस्टिंग मेड सिंपल विद सीए पुनीत जाजू। दोस्तों, इस स्टॉक का करंट स्टॉक प्राइस है 28 रुपये 75 पैसे और यहाँ पे 52 वीक लो जो बनाया था 14 रुपये 10 पैसे था और अर्निंग पर शेयर है इसकी 70 पैसे। पीई रेशियो है 40.57 और ये जो जिस इंडस्ट्री में क्लासिफाई किया गया है वो है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। मार्केट कैप है यहाँ पे इस कंपनी का 5,094 करोड़ रुपये। और ये देखिए, आपके सामने मैं ये स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ जहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस ग्राफ है और ये देखिए इस कंपनी ने जो हाई बनाया है 137 रुपये 20 पैसे और ये 3 साल पहले ये हाई बनाया था इस कंपनी ने और उसके बाद से यहाँ पे वीकनेस है और लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और मार्च में जो करेक्शन था यहाँ पे बहुत ही डीप कट मिला था इस कंपनी को। तो अभी जो ये लेवल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट जो है, ये थे तकरीबन 6-7 साल पहले जून 2014 में, तब इस तरह के लेवल्स हुआ करते थे। और तो ये 7 साल, 6-7 साल तक ये यहाँ पे जितना भी ग्रोथ था इस कंपनी का शेयर प्राइस में वो सब यहाँ पे वाइप आउट हो गया है। और अब यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि वेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी हो गया है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हर साल 10% से बढ़ रहे हैं और इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी हो गया है। और जितना जल्दी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे उतनी ज़्यादा आपको कवरेज मिलेगी और उतना कम प्रीमियम भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80D। तो ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट पे तो मुझे मिला वाइटल हेल्थ प्लान्स के नाम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं हूँ इन लोगों की वेबसाइट पे getvital.in पे। यहाँ पे साइन अप करना बहुत ही आसान है, लॉगिन को क्लिक करिए और मैंने अपनी डिटेल्स डाली तो यहाँ पे मुझे रिकमेंड किया गया कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और 20 लाख रुपए का जिसमें 460 रुपये मंथली प्रीमियम है। ये मंथली प्रीमियम पेमेंट बहुत ही अच्छा है इन लोगों का, वेरी इजी टू पे। और इन लोगों के प्लान में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि अनलिमिटेड कंसल्टेशन भी अवेलेबल है फिजिशियंस के साथ, फ्री हेल्थ चेकअप्स और कुछ फार्मेसी में डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस में ये कोविड भी कवर करते हैं और काफ़ी बड़ा नेटवर्क है ये, देखिए 7,000+ हॉस्पिटल से भी ज़्यादा कैशलेस नेटवर्क। और सबसे बढ़िया बात मुझे इनकी डिडक्टेबल लगी, ये देखिए अगर मैं 0 डिडक्टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा प्रीमियम बढ़ जाता है और मैं अगर 35,000 का डिडक्टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा प्रीमियम घट जाता है, ये देखिए यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 75% प्रीमियम घट जाता है मैं डिडक्टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो। और ये बहुत ही अच्छा मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है फॉर ऑलमोस्ट एवरी वेलनेस नीड। आप भी इन लोगों को कंसिडर कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते। देखिए, नाम है इस कंपनी का NBCC इंडिया लिमिटेड और करंट स्टॉक प्राइस है 28 रुपये 30 पैसे। ट्रेलिंग PE यहाँ पे 28.3 है और यहाँ पे RSI और MFI जो टेक्निकल पैरामीटर्स है उसमें जरूर यहाँ पे ओवरबॉट टेरिटरी में है शॉर्ट टर्म में। और इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें एक करेक्शन देखने को मिले तब ये एक अच्छा मौका बनेगा एंट्री का, क्योंकि ओवरबॉट जोन में है तो एक टेक्निकल करेक्शन आने की पूरी पूरी संभावना है, तब यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है। और कंपनी की शेयर होल्डिंग पे नज़र डालें तो 61% प्रोमोटर्स के पास है और 2.9% है यहाँ पे FIIs के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास है 4.3, टोटल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है यहाँ पे 14.8%। ये आपके लिए पाई चार्ट से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 61%,
प्रोमोटर यहाँ पे कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है NBCC इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के अलावा पब्लिक होल्डिंग जो है 23% है। तो म्यूचुअल फंड्स FII के बाद जो प्रोमोटर्स के बाद सबसे बड़ी होल्डिंग है पब्लिक के पास। और इस कंपनी की एक खास बात ये है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलते हैं ये जान लेना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बिडिंग प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स करते हैं वो बिडिंग NBCC को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते हैं NBCC को, ज़रा सोचिए, इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। और इंटरेस्टिंग है NBCC की बैलेंस शीट। आपको मैंने बताया ये कंपनी है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में, तो जितनी भी कंपनीज होती हैं कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में उनके पास बोरोइंग्स बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम जीरो है, नो बोरोइंग्स एट ऑल, कैश रिच कंपनी है NBCC इंडिया लिमिटेड। ये देखिए कंपनी के कैश इक्विवेलेंस 4,780 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश है बैलेंस शीट में। बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल है कंपनी की, बिजनेस प्रोफाइल स्ट्रांग है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। P&L पे आप नज़र डालते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में जून क्वार्टर में यहाँ पे सभी कंपनीज के P&L को हिट मिला था, तो NBCC को भी हिट मिला है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने रिकवरी की है और लगभग आप देखिए प्री कोविड लेवल पे पहुंचने लगी है, क्योंकि सितंबर वैसे भी रेनी सीजन होता है जुलाई अगस्त और वो क्वार्टर जो है, और इस वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में वैसे ही थोड़ा पिकअप नहीं रहता है। उसके बावजूद भी कंपनी ने काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है सितंबर 20 क्वार्टर में। तो मेरा सवाल आपसे था कि कंपनी को बिडिंग नहीं करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो कंपनी को बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स नॉमिनेशन बेसिस पे मिल जाते हैं, जिसका मतलब है बिडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज करती हैं। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कंपनी को उनमें प्रॉफिट भी गारंटीड होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉस्ट प्लस परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उस कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित किया होता है, फिक्स किया होता है। तो अगर आपको, आप देखिए सोचिए, अगर आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिले जिसमें कॉस्ट आपकी कितनी भी हो उसके ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट है, तो कंपनी तो अपने आप ही चल पड़ेगी, अच्छे रिटर्न्स अपने आप ही देगी, अच्छे रिजल्ट्स अपने आप ही आने लगेंगे। और यहाँ पे वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी स्ट्रांग है, और कंपनी का जो डिविडेंड डील है वो भी देखिए 0.48%। मैं डिविडेंड हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ। देखिए NBCC ने डिक्लेयर किए हैं 11 बारी डिविडेंड पिछले 8 सालों में, और जो लेटेस्ट डिविडेंड था वो नवंबर 2020 में, हालांकि डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है। तो अभी देखिए सभी जगह डिविडेंड में कट डाउन है, तो यहाँ पे भी कट डाउन है, लेकिन कंपनी ने फिर भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अपना जो ट्रेडिशन है वो मेंटेन करके रखा है। और ये है कंपनी की बोनस हिस्ट्री। कंपनी ने एक बार ही बोनस दिया था साल 2017 में 1:2 की रेशो से। तो दोस्तों ये था NBCC के बारे में, जहाँ पे अब आने वाले समय में एक अच्छी परफॉर्मेंस, टर्न अराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे देखिए टेक्निकल करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ओवरबॉट टेरिटरी में है। तो जैसे ही टेक्निकल करेक्शन आता है, और अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं। हालांकि आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, मेरे कहने से मत जाइए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस में कोई भी गलती कर सकता है, तो इसलिए आप अपना फैसला खुद लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक करने के साथ साथ सबके साथ शेयर करें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। जाने से पहले दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।